हेलो एस्पायरेंट्स जैसे कि काफी स्टूडेंट्स ने डिमांड किया है कि लेक्चर्स हिंदी में हो तो हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हिंदी कवरेज होगा सो दिसंबर फोर्थर दिसंबर 2016 के लिए हमने 12 आइटम्स न्यूज आइटम्स सिलेक्ट किए हैं जो यहाँ है पहले दो आइटम दिल्ली एडिशन के न्यूज में नहीं है बट ये दो आइटम्स मुंबई एडिशन न्यूज में थे तो हमने इनको डाला है आप इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके इनको स्टडी कर सकते हैं पहला जो न्यूज आइटम है वो है थिन वाटर रिपेलेंट सरफेस केमिस्ट्री एट वर्क तो ये एक एक सब्सटेंस मटेरियल प्रिपेयर किया है फ्रॉम इंडिया ने ने और इन ने इस मटेरियल को ग्रेफाइट से बनाया है ग्रेफाइट इज कार्बन फॉर्म कार्बन का एक फॉर्म ऑफ कार्बन है सो दिस इज नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ कार्बन इस कार्बन को एक्सफोलियट किया है मीन किया, उसका एक छिलका निकाला है जिससे बन ग्राफाइट से ग्राफीन बनता है सो so, ग्राफीन एक एक मटेरियल है जो बहुत थिन होता है सिर्फ सिंगल लेयर कार्बन एटम का होता है एक लेयर कार्बन एटम से बनता है और ये ग्राफीन डिस्कवर हुआ था 2004 में इसके लिए नोबेल प्राइज फिजिक्स भी मिल चुका है टू में तो so, ये ग्राफ़ीन को यूज करके फ्लोरिनेटेड ग्राफ़ीन ऑक्साइड बनाया है जो वाटर भी टच स्टिक होने नहीं देता और ऑयल पानी और तेल स्टिक होने नहीं देता और ये प्रोडक्ट का बेनिफिट ये है कि ये बहुत ही पतला है क्योंकि ये ग्राफीन से बनाया हुआ है जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो ये जिनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइड्रोफोबिक और ओलियोफोबिक ये अल्ट्रा थिन नहीं है थीक है तो ये डिस्कवरी जो है ये रिसर्चर्स जिन्होंने ये बनाया है इसका ये बेनिफिट ये है कि अल्ट्रा अल्ट्राथे है, है क्योंकि ग्राफीन यूज करते हैं इसके लिए वो लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रजिस्ट्रेशन भी करेंगे तो अभी ये रिसर्च के बेनिफिट ये है कि इनको यूज करने के काफी तरीके हैं इनको यूज किया जा सकता है ऑयल ड्रिलिंग मशीन में क्योंकि अगर ये लेयर कोटिंग होगा इस इस मटेरियल का तो ये इस, इसको करोजन नहीं होगा मींस वो जंग नहीं खाएगा ऑल्सो अदर बेनिफिट है कि वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज हो सकता है जहां पे उनके ऊपर कुछ स्टिक नहीं होगा चिपकेगा नहीं तो ये सब उसके बेनिफिट्स है सर्जिकल इम्प्लांट में यूज हो सकता है ये एक तरीके का एंटी बैक्टीरियल एजेंट बन जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया भी स्टिक नहीं हो गये. तो ये सब उसके बेनिफिट्स है पर इस न्यूज आइटम में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम समझे ग्राफीन क्या है तो so, ग्राफीन ये होता है सिंगल लेयर कार्बन एटम का बहुत पतला इतना पतला के वो ट्रांसपेरेंट हो सो so, डिस्कवर किया हुआ है इसके काफी एप्लीकेशन है ये सेमी कंडक्टर भी है सेमी कंडक्टर यूज होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बनाने में कंप्यूटर चिप्स बनाने में तो ये सिलिकॉन को भी रिप्लेस कर सकता है फॉर कंप्यूटर चिप्स सो so, इनकी ये बेनिफिट्स है इवन क्योंकि ये बहुत हल्का है ये एरोस्पेस एयर सेक्टर में भी यूज हो सकता है एयरप्लेन में भी तो हैवी कॉपर वायर्स जो यूज होते हैं उसकी जगह क्राफिन को यूज किया जा सकता है बिकॉज वो कंडक्टर भी है तो अल्ट्रा थिन स्क्रीन्स कंप्यूटर स्क्रीन मोबाइल फोन स्क्रीन भी ग्राफिन से बनते हैं तो ग्राफिन के काफी सारे एप्लीकेशन है जो तो यहाँ पे भी और डिटेल में बनाए गए हैं कंडक्टिव इंक्स जो होती है तो सर्किट्स में जो कनेक्टिविटी चाहिए तो कनेक्टिविटी के लिए अगर ग्राफीन यूज करेंगे तो बहुत पतला ये मटेरियल यूज कर सकते हैं कनेक्टिव इंक बनाने के लिए तो काफी सारे एप्लीकेशन है पेंट्स में यूज होता है कोटिंग्स में यूज होता है एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में यूज होता है तो फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कहा वैसे यूज हो सकता है दूसरा न्यूज आइटम है आईआईटी आई खड़गपुर साइंटिस्ट ने डेवलप किया है एक ब्लड पीएच सेंसर यहाँ पे जरूरी है हम समझे पीएच क्या होता है तो पीएच एक सोल्यूशन का पीएच होता है पीएच पी एच पे स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन सो जब हाइड्रोजन आयन ज्यादा होता है कोई सोल्यूशन में मतलब एच पॉजिटिव जब पॉजिटिव वैल्यू आयन पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू में होता है एच प्लस होता है और ओ एच हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज कम होता है तो जब H प्लस चार्ज आय ज्यादा होते हैं कोई सोल्यूशन में तो उसको एसिडिक बोलते हैं और पीएच स्केल पे ये एक स्केल है मेजरमेंट का है स्केल है ये जीरो से फोर्टीन तक जाता है सेवन जो है वो न्यूट्रल बोला जाता है एग्जैक्टली सेवन एंड एनी वैल्यू कोई भी वैल्यू जीरो से सेवन के बीच में एसिडिक होती है और सात और चौदह के बीच में एल्कलाइन या बेसिक होती है तो ये एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं क्या चीज एसिडिक क्या बेसिक होती है प्योर वाटर न्यूट्रल होता है मिल्क इज इज स्लाइटली स्लाइटली एसिडिक एंड ब्लड तो ये पीएच स्केल है अभी जो रिसर्च हुआ है इन रिसर्चर्स ने एक पीएच सेंसर बनाया है जो बहुत छोटा है और जो ब्लड पीएच कैलकुलेट करता है और ये ब्लड पीएच सेंसर 10 सेकंड के अंदर रिजल्ट देता है जिसकी वजह से हिपारिन हिपारिन एक एंटी ड्रग है कोएगुलेंट मींस जब ब्लड ब्लड आपको इंजरी होती है वुंड होता है तो ब्लड बाहर निकलता है और ब्लड जम जाता है जो वुंड हीलिंग होता है जो ठीक होता है तो ये इसको एक कोएग्युलेशन बोलते हैं कि ब्लड कोएग्युलेट हो जाता है तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है तो जब ब्लड पीएच वैल्यू डिटरमिन करने के लिए भी यूज करते हैं तो कोएग्युलेशन हो जाता है अर्लियर टेक्निक्स में बट जो ये टेक्निक डेवलप किया है ये सुपर फास्ट है ये 10 सेकंड में रिजल्ट देता है पीएच वैल्यू सो इसके लिए हिपारियन जो एक को एंटी ड्रग है जो जनरली देना पड़ता है जब पीएच वैल्यू डिटर्मिन करने के लिए ब्लड ब्लड कोएग्युलेट ना हो इसके लिए तो इस टेक्निक से ये भी नहीं देना पड़ेगा तो ये इसके बेनिफिट है तो काफी स्मॉल डिवाइस है जो इज़ीली यूज हो सकता है टू पीएच। देन द नेक्स्ट न्यूज आइटम जो है वो है एक टूल एक ऑप्टिकल फाइबर टूल बनाया है रिसर्चर्स है ऑस्ट्रेलिया से जिससे ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी काफी इम्प्रूव हो सकती है तो कैंसर सेल्स जो होते हैं, उसमें बहुत जल्दी जल्दी डेवलपमेंट होता है कैंसर सेल्स स्प्रेड होते हैं वो बार वो रीजनरेट रिग्रो होते जाते हैं तो ये जो ग्रोथ होती है उसकी वजह से उसमें लैक्टिक एसिड बनता है बिकॉज एनर्जी इज यूज फॉर ग्रोथ लैक्टिक एसिड जनरेट होता है और ये कैंसरस टिश्यूज को एसिडिक एनवायरमेंट बना देता है तो इस वजह से अगर पी अगेन पीएच आप ऑलरेडी समझ चुके हो तो जो पीएच वैल्यू होता है एसिडिक के लिए कम होता है तो जब कोई टिश्यू एसिडिक है कैंसरस है तो वो एसिडिक होगा और ज्यादा एसिडिक होगा और जो बाकी टिश्यूज है वो कम हो गए तो इस वजह से हमको क्लियरली पता चल सकता है पीएच सेंसिटिविटी समझने से कि कौन सा टिश्यू एसिड कैंसरस है और कौन सा नॉर्मल है तो सर्जरी में जनरली क्या किया जाता है कि पूरा टेक्निक है ये कैविटी शेविंग तो पूरा कैविटी बना दिया जाता है पूरा टिश्यू निकाला जाता है ज्यादा सो तो जिसकी वजह से हेल्थी टिश्यू भी निकल जाते हैं और सम केसेस में ऐसे होता है कि जो जो कैंसरस टिश्यूज है वो रह जाते हैं थोड़े तो उनके रह जाने से फिर से कैंसर रीजनरेट होता है और फिर से फॉलो अप सर्जरी चाहिए होती है तो अगर हमको क्लियरली पता हो सर्जन को जब वो सर्जरी कर रहा है कि कौन सा कैंसरस टिश्यू है और कौन सा नॉर्मल टिश्यू है तो ये उसको बेनिफिट होगा कि वो सिर्फ कैंसर टिश्यूज को टारगेट करके रिमूव करे एंड बेटर सर्जरी हो तो इसके लिए ये जो पीएच सेंसिटिव ऑप्टिकल फाइबर डिवाइस बनाया है इससे पीएच वैल्यू के हिसाब से अलग अलग कलर की लाइट जनरेट होती है तो एसिडिक ज्यादा होगा तो अलग लाइट होगी कम होगा तो अलग लाइट होगी तो डिपेंडिंग ऑन कौन सी लाइट आ रही है सर्जन वो सेल कैंसरस है या टिश्यू कैंसरस है या नॉर्मल है समझ सकता है और अकॉर्डिंगली सर्जरी कर सकता है दूसरा न्यूज आइटम है बेस मूवमेंट बेस मूवमेंट जो प्लान किया गया था केरला में सो तो कोल्लम और मल्लपुरम के, इन केरला यहाँ पे ब्लास्ट हुए थे सो तो ये ब्लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बेस मूवमेंट एक आउटफिट ने लिया है जो अपने अपनी एलिजेंस बताती है अलकायदा को कि वो अलकायदा से लिंक्ड है और उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ये ब्लास्ट की तो इस वजह से वो पकड़े गए और अभी फिलहाल वो बेंगलुरु जेल में बंद है तो ये बेस मूवमेंट बार बार आता है न्यूज में तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है ये दूसरा न्यूज आइटम है दस हजार पांच सौ साल पुरानी कैंपिंग साइट डिस्कवर हुई है लद्दाख में लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में तो ये कैंपिंग साइट जो थी मतलब एक टेम्पररी साइट थी जहां पे प्रीहिस्टोरिक मैन स्टोन एज मैन रुका करते थे तो यहाँ पे चारकोल पीसेस मिले हैं, मोन के रिमेन्स मिले हैं, जिनको यूएस भेजा गया रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए कि पता चले ये कौन से टाइम के है और ये पता चला है कि वो 8500 बीसी के रिमेन्स है तो इस वजह से ये प्रूव होता है कि ये प्री हिस्टोरिक मैन यहाँ पे रुके थे यहाँ रहते थे तो ये जगह है लद्दाख में लद्दाख के पास यहाँ कराकुरम पास एक ससेरला पास है यहाँ पे उसके आगे कराकोरम पास जो कनेक्ट होता है यहाँ पे ये डिस्कवरी हुई है कराकोरम पास आपको पता होना चाहिए इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है फिर अगला न्यूज आइटम है नौ साल बाद एलिफेंट सफारी फिर से शुरू होगी राजाजी टाइगर रिजर्व में तो राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है कि एलिफेंट सफारी स्टार्ट हो रही है पर ये इंपॉर्टेंट है कि राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ है क्योंकि यूपीएससी में काफी बार आपको सवाल पूछा जाता है कि टाइगर रिजर्व सेंचुरी आप करेक्ट करेक्टली मैच करो कौन से स्टेट्स में है या तो पेयर्स दिए जाते हैं करेक्ट है कि नहीं पूछा जाता है तो इन इन सब केसेस में आपको सब टाइगर रिजर्व सेंचुरी सब स्टेट्स की पता होनी चाहिए जो सब कुछ एक साथ याद करना डिफिकल्ट है तो जैसे जैसे जो न्यूज में आता है वो आप स्टडी करोगे उस स्टेट का आप स्टडी करोगे तो मेमोरी रिमेम्बरेंस और रिकलेक्शन में आसानी होगी तो ये राजा जी टाइगर रिजर्व अब आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में है तो दूसरा फेमस उत्तराखंड का टाइगर रिजर्व है वो कॉर्बेट है कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड द टाइगर रिजर्व ये राजा जी टाइगर रिजर्व यहाँ है देहरादून के पास दूसरे नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड में वो है वैली ऑफ फ्लावर्स एंड नंदा देवी तो उत्तराखंड ये हिमालय रीजन हिमालयन स्टेट है तो इवन ये राजाजी टाइगर रिजर्व फुट हिल्स ऑफ हिमालय पे है फिर दूसरा न्यूज आइटम है अगला न्यूज आइटम है हॉस्पिटल्स को लोग ज्यादा चुन रहे घर की बजाय बेबी डिलीवरी के लिए तो डिलीवरीज इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बो जा, बोला जाता है इसको कि हॉस्पिटल्स में डिलीवरी हो तो ये स्कीम एक स्टार्ट की गई थी जननी सुरक्षा योजना जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर एक स्कीम थी जो 2005 में स्टार्ट की गई ताकि मटर्नल मोर्टालिटी रेट और न्योनेटल मोर्टालिटी रेट इंडिया का कम हो सके मटर्नल मोर्टालिटी रेट मतलब मोर्टालिटी मीन्स डेथजेंड लाइव बर्थ बर्थस जो हुए है, जो जिनमें बच्चे जिंदा बच्चे पैदा हुए उनमें हजार लोगों में कितनी महिलाएं की कि डेथ हो जाती है वो नंबर होता है मटर्नल मोर्टालिटी रेट पर थाउजेंड लाइफ बर्थस और जो न्यू नेटल मोर्टलिटी रेट है वो इन्फेंट्स कितने मर जाते हैं पर थाउजेंड लाइफ बर्थस में और ये न्यू नेटल के लिए एज ग्रुप होता है इन द फर्स्ट ट्वेंटी एट डेज ऑफ बर्थ तो वो न्यू नेटल मोर्टालिटी रेट होता है तो हम ये दोनों नंबर्स को इंडिया में कम करना चाहते है इसके लिए जरूरी है कि डिलीवरीज घर की बजाय हॉस्पिटल्स में हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल अब यूज की जा रही है तो देर इज एन इंक्रीज ट्वेंटी चार से दो हजार चौदह के बीच में जिसमें स्टडी किया गया तो जननी सुरक्षा योजना काम कर रही है इसके अंदर होता यह है कि कैश डिलीवरी होता है मीन्स कैश पेमेंट किया जाता है सो इट्स अ कैश ट्रांसफर स्कीम टू द मदर एंड आशा दैट इज आशा इज एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट तो ये एक महिला होती है जिसको ये काम होता है कि वो रूरल एरियाज में इन जगहों पे महिलाओं को ये समझाए कि हेल्थ बेनिफिट्स कैसे लिए जाए इस स्कीम को प्रमोट करे तो so, वो हेल्थ रिलेटेड इनिशिएटिव्स लेती है समझाती है असिस्टेंस देती है तो इन दोनों को एक पेमेंट मिलेगा अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई तो, तो ये पेमेंट्स सेपरेट है जो लो प्रायोरिटी स्टेट्स है उसके लिए अलग है और हाई प्रायोरिटी स्टेट्स के लिए अलग सो बेनिफिट so, ये हुआ है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही है दूसरे रीजंस भी है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही है क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और एक योजना है जिसके अंदर भी लोग हेल्थ इंश्योरेंस की बीमा योजना है ये तो ये 2008 में लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर तो इसके अंदर तीस हजार एज एनुअल uh, हर साल का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है पर बीपीएल फैमिली फैमिली पर बीपीएल के एक योजना योजना होती है ये तो इस योजना का बेनिफिट लेते हुए भी काफी लोग हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर्स जा रहे हैं तो ये भी देखा गया है कि ना सिर्फ डिलीवरीज के लिए बट दूसरे बीमारियों के लिए भी लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जा रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है बट ओनली प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के क्वालिटी ऑफ केयर में इंक्रीज चाहिए बढ़ावा चाहिए क्योंकि वहां क्वालिटी केयर नहीं मिलता है सो so ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है इसमें भी ये भी कैशलेस ट्रांजेक्शन है ये इसके लिए कार्ड दिया जाता है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्ड होता है तो इसके थ्रू पेमेंट्स होते हैं और ट्रांसफर्स होते फिर दूसरा न्यूज अगला न्यूज आइटम है कि आप अपने पुराने मसल्स बूढ़े मसल्स फिर से डेवलप कर सकते हैं तो जब बुढ़ापा आता है तो काफी फाइबर्स जो होते मसल्स में वो खत्म हो जाते हैं वो मर जाते हैं और थोड़े मसल्स होते हैं फाइबर्स होते हैं जो श्रिंक हो जाते हैं जिनका मास कम हो जाता है तो इसको बोलते हैं मसल एट्रोफी मसल एट्रोफी मतलब मसल का मास कम हो गया है जैसे यहाँ दिखाया गया है तो ऐसे ये जनरली होता है एज के हिसाब से जैसे एज बढ़ती है और अगर आपकी लाइफ स्टाइल बैठी बैठी हुई आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते तो ये मसल एट्रोफी और ज्यादा हो सकता है इन केसेस में मसल वेस्टिंग भी हो जाता है जो पार्शियल मसल वेस्टिंग या फुल मसल वेस्टिंग भी हो सकता है जब मसल नाकाम हो जाता है काम करने के लिए और फुल मसल वेस्टिंग मतलब आप अपना अंग का वो हिस्सा हिला भी नहीं सकते तो ये केसेस होते हैं ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है तो यहाँ स्टडी ये है कि अगर एज ज्यादा भी है तो भी जो आपके मसल फाइबर्स है क्योंकि एज बढ़ती है तो मसल फाइबर्स नए नहीं बनते यूथ में नए मसल फाइबर्स भी बन सकते हैं और एक्सरसाइज से जो है मसल फाइबर्स वो भी पंप अप होते बट विथ एज टू अगर आप एक्सरसाइजेस करोगे वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपके मसल्स उतने ही स्ट्रांग और बड़े हो सकते जितने एक एवरेज फोर्टी ईयर ओल्ड के होते साठ सत्तर की एज में भी ये पॉसिबल है तो इट डिपेंड्स ऑन एक्सरसाइजिंग फिर अगला न्यूज आइटम है हाउ श्रीलंका वन दी मलेरिया वॉर सो मलेरिया कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुका है श्रीलंका में कोई भी मलेरिया केस अभी और नहीं है ऐसा श्रीलंका को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया सितंबर 2006 में बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सो ईस्ट एशिया में ये दूसरी कंट्री है पहली कंट्री है मालदीव्स तो ये दो कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में मलेरिया फ्री है बट बाकी का रीजन मलेरिया एंडेमिक है यहाँ पे मलेरिया होता है इंडिया में भी काफी मलेरिया केसेस होते हैं मलेरिया आपको पता होना चाहिए ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल डिजीज है ज्यादातर ये सदर्न हेमिस्फीयर में देखा जाता है साउथ अमेरिका एशिया अफ्रीका सब इससे अफेक्टेड है प्लस ये एक पैरासाइटिक डिजीज है तो प्रोटोज जो पैरासाइट है वो मलेरिया का पास होता है थ्रू अ वेक्टर वेक्टर मीन्स अ कैरियर जो उसको कैरी करता है तो ये पैरासाइट कैरी करने वाला मलेरिया के केस में है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो तो ये मॉस्किटो को अगर खत्म किया जाए तो मलेरिया स्प्रेड नहीं होगा तो इसके लिए डीडीटी यूज करते डाईक्लोरोलोरोलोरोलोरो सॉरी सो so, ये एक पेस्टिसाइड है, है मतलब उन पे डीडीटी असर नहीं करता तो श्रीलंका ने भी इन केसेस में नाइनटीन में काफी स्टेट कंट्रीज ने ये शिफ्ट किया है और श्रीलंका ने भी किया कि डी की बजाय मेलेथियन यूज करते और श्रीलंका की एक खासियत ये है कि काफी सारे हेल्थ इंडिकेटर्स में उसका पॉजिटिव डेवलपमेंट है सो so, काफी केसेस में इट्स बेटर देन इंडिया इन मटर्नल मोर्टालिटी हेल्थ रिलेटेड ऑल सच फैक्टर्स तो इसके लिए उसको उसका हेल्थ डिलीवरी सिस्टम स्ट्रांग है और उसी को यूज करके उन्होंने मलेरिया भी कंट्रोल किया है इराडिकेट किया है काफी सारे तरीके से कंट्रोलिंग द वेक्टर कंट्रोलिंग द पैरासाइट मस्किटो रिपेलेंट्स यूज करके इंसेक्टिसाइड नेट्स uh, जिसके अंदर ये इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया हुआ है वो यूज करके उन्होंने मलेरिया इरेडिकेट किया उनको एक मुश्किल ये भी आई कि मलेरिया एंडेमिक रीजन जहा पे मलेरिया स्प्रेड ज्यादा था वो एक वानी रीजन था जो एल के अंदर था तो ड्यूरिंग एल वॉर यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स लाना डिफिकल्ट था बट एंडिंग द वॉर टू हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग दिस इचुअली मलेरिया कम्प्लीटली इेट हो गया श्रीलंका से तो so, बाकी रीजन जो है जैसे इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी प्रवेलेंट है म्यांमार अफगानिस्तान ये सब जगहों पे जहाँ पे वॉर भी है तो इन जगहों पे भी अगर कोर्डिनेशन से वर्क किया जाए तो मलेरिया इरेडिकेट हो सकता है तो so, ये है मलेरिया ये डीडीटी के बारे में है इट इज द लीस्ट एक्सपेंसिव वे सबसे आसान और सस्ता तरीका है मॉस्किटोस को मारने का बट प्रॉब्लम ये है कि ये पीओपी -पी है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट सो ये इजीली डिग्रेड नहीं होता एनवायरनमेंट में तो ये रहता है काफी टाइम तक एनवायरनमेंट में रहता है अगर ये फिशेस और बाकी एनिमल्स कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए ये ये हार्म भी करता है उनको इवन ह्यूमंस में कैंसर के के कारण भी बन सकता है ये तो इन केसेस में डीडीटी यूज करना मना भी है बिकॉज देर इज रिस्ट्रेंट के कम यूज किया जाए डीडीटी अंडर स्टॉकहॉम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटन सो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंडर एक कन्वेंशन है तो इसके अंडर डीडीटी भी आता है जो रिस्ट्रेन में यूज करना चाहिए सो so ये स्टॉकहॉम कन्वेंशन 2000 साल से 2004 से इफेक्टिव है तो so ये उसके बारे में भी है और ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंस के रिलेटेड दो टर्म्स आते हैं। बायो अक्यूमुलेशन और मैग्निफिकेशन तो बायो अक्यूमुलेशन होता है कि ये सब्सटेंस का एक एक ही ऑर्गेनिज्म में बढ़ता जाए तो क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होता तो जैसे जैसे कंजम्पशन बड़ा टाइम के साथ बड़ा होते जाएगा तो उसका कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो ये कॉन्सेंट्रेशन भी उसमें बढ़ता जाएगा तो ये बोलते हैं मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में इसका धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और जो बायोमैग्निफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन होता है वो जैसे ऑर्गेनिज्म फूड चेन में ऊपर जाते हैं वैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है मतलब टॉप टॉप ऑफ द फूड चेन फूड पिरामिड भी पिरामिड होता है मतलब टॉप लेवल कम होता है क्वांटिटी कम होती है एंड लोअर लेवल्स पे क्वांटिटी ज्यादा होती है तो जो लोअर लेवल एनिमल्स होते हैं वो ऊपर वाले एनिमल्स खाते हैं उनको तो वो ज्यादा खाते हैं तो जैसे प्रीडेटर्स भी होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं वो कम होते हैं क्वांटिटी में कम होते तो क्या होता है जब ज्यादा वो लोग खा रहे मतलब एक सील जैसे यहाँ दिखाया गया है दो फिश खा रही है तो दोनों फिश का कॉन्सेंट्रेशन इसमें एडअप होगा तो इधर मैग्निफाई होगा मतलब जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है या जो टॉक्सिक सब्सटेंस है यहाँ पे ज्यादा होगा तो टॉप मोस्ट लेवल पे सबसे ज्यादा होगा इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन फिर अगला न्यूज आइटम है जीएसटी काउंसिल फिर से कोई डिसीजन पे नहीं आ पाई कोई कंसेंसस नहीं आ पा और जीएसटी काउंसिल जो फाइनलाइज करना चाहती है बाकी सारे डिटेल्स ताकि जीएसटी बिल्स इस समय विंटर सेशन पार्लियामेंट के इसमें पास हो सके ताकि अप्रैल से जीएसटी लागू हो सके पर इस बार भी डिसीजन नहीं आ पाया अगली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग दिसंबर इलेवन ट्वेल्व को है तो फिर से ये न्यूज में आएगा जीएसटी काउंसिल आपको पता होना चाहिए अगर आप पिछले महीने भी न्यूज फॉलो कर रहे होंगे तो कि ये इसके अंदर मेंबर्स है चेयरमैन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली और और एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक मेंबर होता है और सारे स्टेट्स का एक मिनिस्टर भी मेंबर होता है या तो वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो या और कोई भी मिनिस्टर जो स्टेट नॉमिनेट करना चाहती है वो हो और इनको वोटिंग पावर दिया गया है वन थर्ड वोटिंग पावर सेंटर के पास है और टू थर्ड वोटिंग पावर स्टेट्स के पास है और कोई भी डिसीजन पास करने के लिए थ्री फोर्थ मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए तो ये है कोरम मतलब कितने लोग मिनिमम प्रेजेंट होना चाहिए ताकि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो सके तो एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट हो तो ही काउंसिल की मीटिंग हो सकती है कम अटेंडेंस होगा कोरम का मतलब ये होता है कम अटेंडेंस होगा इससे तो वो मीटिंग नहीं हो पाएगी फिर अगला न्यूज आइटम है डब्ल्यूटीओ चाहती है एक डील ऑन ग्रीन ग्रीन प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो प्रोडक्ट जो अब जो हेल्प करते हैं क्लाइमेट प्रोटेक्शन और एनवायरमेंट गोल्स हासिल करने के लिए तो so, ये ग्रीन प्रोडक्ट्स जैसे सोलर पैनल्स है विंड टर्बाइंस है एयर क्वालिटी मॉनिटर्स है ये सारे ग्रीन प्रोडक्ट्स है तो ग्रीन प्रोडक्ट्स के लिए टैरिफ नहीं होना चाहिए टैरिफ मतलब जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चीजें एक्सपोर्ट होती है तो जो इम्पोर्टिंग कंट्री होती है वो एक टिफ लगाती है कि इसकेरिफ होगा इतना कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा तो या तो नॉन टैरिफ टिफ होता है टैरिफ जनरली यहाँ पे ये यह होता है तो ये जो ड्यूटी है वो कम से कम होनी चाहिए बहुत कम होनी चाहिए या एलिमिनेट कम्प्लीटली नहीं होनी चाहिए ये एक अचीव करने के लिए डब्ल्यूटीओ के जो इंपॉर्टेंट हैवी वेट में जैसे यूएस चाइना जापान ये इसके ऊपर चर्चा कर रहे है आखिरी न्यूज आइटम जो है वो है इंडिया अफगानिस्तान अभी मुलाकात फिर से होगी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में जो अभी चल रहा है अमृतसर में सो तो इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया अफगानिस्तान के काफी डील्स भी साइन हो गए इसकी उम्मीद है एक डील ये है ऑन एयर कार्गो सर्विस सो तो कार्गो कमोडिटीज एयर से बाय एयर रूट से ट्रेड हो तो ये एयर कार्गो सर्विस पैक्ट पास होगा अगर साइन होगा तो ये सर्विस भी यूज की जा सकती है बिकॉज अफगानिस्तान इंडिया का कोई लैंड कनेक्टिविटी नहीं है इन थ्योरी है बट वो रीजन पीओके में है वो भी हंड्रेड किलोमीटर से भी कम है तो इस एरिया में क्योंकि लैंड कनेक्टिविटी नहीं है दूसरा रूट है बाय वाटरवेज, तो उसके लिए भी हम ये चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं ईरान में और इवन ये जो रोड है सरांज डेलाराम रोड जो, जो अफगानिस्तान में ये दो रीजन को कनेक्ट करता है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने काफी मुश्किलों के साथ अफगानिस्तान में कम्प्लीट किया है तो हमारा ये पूरा कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी का भी प्लान है तो एक बार ये हो जाए तो हम वाटरवे एंड देन फर्दर थ्रू लैंड रूट बायपासिंग पाकिस्तान पाकिस्तान को साइडलाइन करते हुए हम ये रूट भी यूज कर सकते हैं अफगानिस्तान पहुंचने और दूसरा रास्ता जो है वो एयर एयरवेज है तो इसके ऊपर भी एक अग्रीमेंट होगा इसकी उम्मीद है चाबहार पोर्ट यहाँ है और ग्वदर पोर्ट जो पाकिस्तान में है जो चाइना डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में वो यहाँ है तो ये है आज की न्यूज थैंक यू